सो प्रिजनर ऑफ जेंडा में चैप्टर वन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिजन डायल्स विद अ वर्ड ऑन द एल्फबर्ग। इस चैप्टर में रिजन डायल के बारे में जानेंगे और एक लफ्ज़ आएगा इसके अंदर एल्फबर्ग के नाम का। इस चैप्टर में तो सीन इस तरह से स्टार्ट होता है कि इंग्लैंड का सिटी है लंदन, और लंदन में एक घर है बर्लिजन फैमिली का, और उसमें एक लड़ाई चल रही है सुबह के नाश्ते पर लेडी रोज बर्लिजन और रडल्फ रिजन डायल के बीच में। और ये लड़ाई इसलिए चल रही है कि लेडी रोज बर्लिजन जो है वो रिजन डायल की आइडलनेस पर उसे टोक रही है कि वो कुछ नहीं करता और वो जॉबलेस है और उसे चाहिए कि वो कोई जॉब करे। लेडी रोज बर्लिजन एक तरह से जेलस भी हैं अपने ब्रदर इन लॉ रडल्फ रिजन डायल से, बिकॉज उसके बिल्कुल रेड हेयर्स हैं और लॉन्ग नोज हैं जैसे कि एल्फबर्ग फैमिली की होती हैं, रॉयल फैमिली ऑफ रोरिटानिया, दैट इज़ एल्फबर्ग फैमिली। तो रोज़ उसे बताती है कि जो सर जेकब बोरोडेल हैं, जो कि असल में एक एम्बेसी खोलने वाले हैं 6 महीनों के अंदर, एक ब्रिटिश एम्बेसी किसी एक कंट्री में यूरोप के, तो सर जेकब बोरोडेल जो है वो रिजन डायल को एक अटैची के तौर पर लेकर जाना चाहते हैं। तो रोज़ उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस जॉब को कबूल कर ले, तो रिजन डायल उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है भाई, वो 6 मंथ्स के बाद ये जॉब पर चला जाएगा। फिर रिजन डायल सोचता है कि अब 6 महीने का टाइम उसके पास है तो उसे रूरिटानिया जाना चाहिए, चूँकि रूरिटानिया में किंग रोडोल्फ द फिफ्थ की कॉरोनेशन सेरेमनी होने वाली है। तो उसका बड़ा मन था, उससे पहले वो कभी रूरिटानिया नहीं गया था, तो उसका काफ़ी दिल था कि वो जाए और कॉरोनेशन सेरेमनी को देखे। तो उसने अपने घर पे झूठ बोला कि वो टायरोल जा रहा है, टायरोल आर एक्चुअली द माउंटेन रेंजेस ऑफ स्विट्ज़रलैंड, तो टायरोल जा रहा है और वहाँ से घूमने फिरने के लिए। तो उसकी जो भाभी थी रोज़, उसने उसे कहा कि भाई ठीक है तुम टायरोल जाओ, लेकिन तुम वापसी पर एक किताब लिखना। तो रिजन डायल कहते हैं ठीक है, मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन अगर मुझे इनफ मटेरियल मिला तो मैं कोई किताब लिख दूंगा तुम्हारे लिए। देन उसके बाद सेकंड चैप्टर पे शिफ्ट करते हैं, दैट इज़ कंसर्निंग द कलर ऑफ मैंस हेयर, मतलब इंसान के बालों के बारे में एक चैप्टर। तो रिजन डायल जब निकलता है अपने घर से लंदन से, तो सबसे पहले वो जाता है पेरिस। पेरिस इसलिए जाता है कि रिजन डायल के एक चचा थे अंकल विलियम, जो वो कहा करते थे कि जो इंसान भी पेरिस जाए तो वह 24 आवर्स पास करके जाए, मतलब पेरिस इतना वर्थ सीइंग एक सिटी है कि 24 घंटा इंसान गुजारने के बाद ही वहाँ से कहीं और जाए। तो रिजन डायल जब पेरिस पहुँचता है तो वहाँ पर वो मुलाकात करता है अपने एक दोस्त जॉर्ज फेदरली से। जॉर्ज फेदरली एक ब्रिटिश एम्बेसडर है पेरिस के अंदर। तो जॉर्ज फेदरली के साथ रिजन डायल क्या करता है, डिनर करता है ड्यूरेंट रेस्टोरेंट में। उसके बाद वो लोग ओपरा सुनने के लिए चले जाते हैं, और ओपरा सुनने के बाद जब वापस घर आते हैं तो फिर रात देर का खाना खाते हैं, जिसको हम सफ़र कहते हैं। इसी दौरान क्या होता है, जॉर्ज फेदरली अपने एक और दोस्त को बुलाता है जिसका नाम है बर्ट्रम बर्ट्रन। बर्ट्रम बर्ट्रन एक पोइट है, एक शायर है, एक पेरिस न्यूज़पेपर द क्रिटिक के अंदर। और बर्ट्रम बर्ट्रन जो है वो इजहार करता है कि उसको मोहब्बत हो गई है मैडम एंटोनी डी मोबैन से। मैडम एंटोनी डी मोबैन ख़ुद एक बेवा हैं जो पेरिस में रहती हैं, और वो नहीं जानती बर्ट्रम बर्ट्रम के बारे में कुछ भी। जस्ट बर्ट्रम बर्ट्रन एज अ सेलिब्रिटी एंटोनी डी मोबैन को पसंद करता है, जबकि एंटोनी डी मोबैन ख़ुद पसंद करती हैं ब्लैक माइकल को या ड्यूक माइकल को, जो ड्यूक का वो जो स्टल्सो का ड्यूक है, ठीक है, रूरिटानिया में रहता है। तो जबकि ब्लैक माइकल एंटोनी डी मोबैन से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि ब्लैक माइकल शादी करना चाहता है प्रिंसेस फ्लेविया से। चूँकि आपको पता है कि ब्लैक माइकल जो है वो जो लेट किंग है, जिस बादशाह की मौत हुई उसके मॉर्जेंटिक मैरिज से पैदा हुआ था, और मॉर्जेंटिक मैरिज से जो बेटा भी पैदा होता है तो वो एलिजिबल नहीं होता क्राउन के लिए। तो ब्लैक माइकल यही चाहता था कि वो प्रिंसेस फ्लेविया से शादी कर ले, तो सूरत में वो बादशाह बन सकता था रूरिटानिया का। तो ये बातें इनके बीच में इस तरह से होती हैं। आखिरकार जो है वो रिजन डायल सोने के लिए चला जाता है। अगले सुबह क्या होता है कि भाई वो स्टेशन आता है जॉर्ज फेदरली के साथ, और ड्रेसडन का एक टिकट लेता है। ड्रेसडन इज़ अ बॉर्डर सिटी बिटवीन जर्मनी एंड रूरिटानिया, तो जर्मनी का शहर है ड्रेसडन, और ड्रेसडन पार करने के फौरन बाद रूरिटानिया आ जाता है। तो ड्रेसडन का टिकट लेता है, और उसमें उसे पता लगता है कि जिस ट्रेन में वो सवार हुआ है, जिस डब्बे में, उसी डब्बे में मैडम एंटोनी डी मोबैन भी मौजूद हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को एक नज़र देखते हैं, मैडम एंटोनी डी मोबैन और रिजन डायल। आखिरकार फिर इस तरह सफ़र कटता है, और सफ़र कटने के बाद वो ड्रेसडन पहुंचते हैं, ठीक है। और ड्रेसडन पहुंचने के बाद नीचे उतरता है ट्रेन से, और वहाँ पर वो अखबार ख़रीदता है। तो
तो अखबार ख़रीदता है तो उसे पता लगता है कि कोरोनेशन सेरेमनी जो है वो एक दिन लेट हो चुकी है, कि अब ताजपोशी की रस्म जो है वो ट्यूसडे को नहीं बल्कि वेंसडे को होगी। तो रतन डायल का एक माइंड था कि ट्यूसडे को अगर कोरोनेशन सेरेमनी होती है तो जिस दिन वो ट्रेन से उतरेगा उसी दिन वो जो कोरोनेशन सेरेमनी का शिरकत करके आखिरकार वहाँ से लौट जाएगा। लेकिन जब उसको पता लगा कि एक दिन लेट हो चुका है तो अब वो स्टे करने का उसको कोई प्लान नहीं था, और वो स्टेल्सो भी नहीं जाना चाहता था। स्टेल्सो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ रूरिटानिया, जहाँ पर कोरोनेशन सेरेमनी होनी थी कैथेड्रल के अंदर। तो वो स्टेल्सो भी नहीं जाना चाहता था, चूँकि वहाँ पर सारे कमरे वगैरह जो हैं वो फिल हो चुके होंगे, और अगर कोई कमरा मौजूद भी होगा तो वो बहुत हाई अमाउंट, मतलब उसके चार्जेस लगेंगे। तो बजाय वो स्टेल्सो जाने के वो किसी और शहर जाता है रूरिटानिया के, ज़ेंडा। ठीक है, तो वो ज़ेंडा चले जाता है। ज़ेंडा जो है वो थोड़ा दूर है स्टेल्सो से, और ज़ेंडा में वो किसी एक इन में क़याम करता है। ठीक है, जबकि जब वो उतरता है ड्रेसडन में तो वो देखता है कि ट्रेन की विंडो से कि मैडम डी बुबान जो है वो स्टेल्सो डायरेक्ट जा रही हैं, चूँकि मैडम डी बुबान को जो है वो स्पेशल अपार्टमेंट्स दिए थे ड्यूक माइकल ने, तो वहीं पर वो स्टे करने के लिए जा रही थी। तो आखिरकार वो इन में जाता है रतन डायल, और इन में वो मिलता है वहाँ की मालकन से। वहाँ की मालकन एक फैट ओल्ड लेडी होती है, मोटी बूढ़ी औरत होती है, और उसकी दो बेटियाँ होती हैं, एक छोटी बेटी होती है एक बड़ी बेटी होती है। छोटी बेटी जो है वो पसंद करती है जोहैन द ड्यूक कीपर को। जोहैन कौन है? जोहैन है ड्यूक माइकल का रखवाला। ठीक है, और जोहैन का एक भाई भी है जिसका नाम है मैक्स हॉफ, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस इन में हमें पता लगता है कि ज़ेंडा के अंदर ज़्यादातर ड्यूक लवर्स हैं, ड्यूक माइकल के चाहने वाले लोग हैं। जिस तरह से वो फैट ओल्ड लेडी वो ख़ुद भी ड्यूक को पसंद करती थी, और वो चाहती थी कि ड्यूक माइकल ही रूरिटानिया का बादशाह बने। जो ड्यूक माइकल हमेशा उनके बीच रहा है, जबकि किंग रुडोल्फ जो है वो तो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में रहा है, और बहुत कम लोग उसको बाय फेस जानते हैं। ठीक है, जबकि उसकी जो छोटी बेटी थी जो ज़्यादा खूबसूरत भी थी, जोहान को जो पसंद करती थी, वो नहीं चाहती थी कि ड्यूक माइकल जो है वो बादशाह बने। वो कहती थी कि जो असली बादशाह होता है उसका उसके बालों का रंग लाल होना चाहिए, जैसे कि लोमड़ी, या फिर लाल होना चाहिए रतन डायल की तरह। तो यही बात उनके बीच में जब चल रही थी, तो उसी में फिर ये पता लगता है कि जो बादशाह हैं, किंग हैं, वो भी ज़ेंडा में मौजूद हैं, ज़ेंडा में शूटिंग लॉज में मौजूद हैं। जो ड्यूक माइकल का शूटिंग लॉज है, एक वुड से बना हुआ एक घर है, उसके अंदर मौजूद हैं शिकार वगैरह करने के लिए, जबकि ड्यूक माइकल ख़ुद स्टेल्सो में है और वो बादशाह की कोरोनेशन सेरेमनी की तैयारियों में लगा हुआ है। ठीक है, यही बातें जब बीच में चल रही थी तो आखिरकार एक भारी भरकम धमक की आवाज़ आती है कमरे में, और जोहान द ड्यूक कीपर अंदर दाखिल होता है। तो जोहान जैसे ही देखता है रडल्फ रतन डायल को, तो वो एक बिल्कुल हैरत में आ जाता है, अमेज में आ जाता है, चूँकि बिल्कुल हूबहू कार्बन कॉपी एक जैसे लग रहे थे ड्यूक माइकल और रतन डायल। फिर उसके बाद आखिरकार उसको पता लगता है कि रडल्फ रतन डायल है, जो कि इंग्लैंड से एक ट्रैवलर है जो कि यहाँ पर आया है। ठीक है, तो इसके बाद इस तरह से चैप्टर नंबर 2 जो है कंसर्निंग द कलर ऑफ मैंस हेयर इख्तिताम होता है। तो नाउ चैप्टर 3 अ मैरी इवनिंग विद अ डिस्टेंट रिलेटिव, एक खुशी वाली शाम दूर के रिश्तेदार के साथ। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह से रडल्फ रतन डायल जो है वो उसकी मीटिंग होती है, उसकी मुलाकात होती है अपने दूर के कज़न रडल्फ एल्फबर्ग के साथ। तो जब जोहान ने जब जोहान जो है वो लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि उसकी मीटिंग हुई रडल्फ रतन डायल से, तो फिर आखिरकार जो है वो सो गया रतन डायल, और जब वो सुबह उठा ब्रेकफास्ट के वक्त तो जोहान आया उसके पास रतन डायल के पास, और जोहान ने कहा कि उसकी बहन का एक घर है स्टेल्सो में और उसमें एक कमरा खाली है, अगर वो चाहे तो उसे जाकर ऑक्यूपाई कर ले। तो अंधा क्या चाहे दो आँखें, रतन डायल ने हामी भर ली फ़ौरन से, और अपना लगेज उसने और अपना सामान ट्रेन के थ्रू उसने एड्रेस पर भिजवा दिया उसकी बहन के घर में, और ख़ुद जो है वो बाय फुट या पैदल ही रवाना हो गया, चूँकि वो चाहता था कि वो शूटिंग लॉज से गुजरे फॉरेस्ट ऑफ ज़ेंडा में, ताकि उसको बादशाह से मिलने का एक मौका मिल सके। तो रतन डायल जब जा रहा था, रास्ते में था, तो उसने कैसल ऑफ ज़ेंडा को देखा। कैसल ऑफ ज़ेंडा जो कि ड्यूक माइकल का रेजिडेंस की उसकी रेजिडेंस थी, उसकी रिहाइशगाह थी। तो कैसल ऑफ ज़ेंडा असल में दो कैसल्स पर मुश्तमिल है, एक ओल्ड कैसल है और एक न्यू कैसल है। न्यू कैसल को शेट्यू भी कहते हैं, और न्यू कैसल के अंदर ही ड्यूक माइकल रहता है।
मतलब वो काफ़ी एक शानदार और एक मैग्निफिशेंट एक कह लें कि घर था, ये उसका महल था जो ड्यूक माइकल का था, और उस ड्यूक माइकल के वालिद ने जो किंग रोडोल्फ द फोर्थ थे उन्होंने उसको बनाया था ड्यूक माइकल के लिए। तो अगरचे ड्यूक माइकल के पास ना तो प्रिंसेस फ्लेविया थी ना उसके पास बादशाह थी, लेकिन उसके पास यूरोप के किसी बादशाह जैसा घर ज़रूर था। तो रोजनडाइल उससे आगे बढ़ता है तो फिर गहरे जंगलात में दाखिल होता है और वहाँ पर कहीं पर एक दरख्त का एक तना गिरा होता है तो उसमें टेक लगाकर वो लेट जाता है पाँव को फैलाकर और एक सिगार जलाता है और आखिरकार सो जाता है। सोने के बाद वो ख्वाब में देखता है कि उसकी जो शादी है वो प्रिंसेस फ्लेविया से हो गई है और वो कैसल ऑफ जेंडा में फ्लेविया के साथ रह रहा है। उसके मतलब गरीब बच्चे के अजीब सपने उसको आते हैं और आखिरकार जब वो जागता है तो देखता है कि दो लोग उसकी तरफ देख रहे थे। ठीक है, उनमें से पहला शख्स जो था वो था कॉलोनियल सेप्ट, जो कि उसको जब वो जागा तो उसने देखा तो कॉलोनियल सेप्ट था जो, और दूसरा था कॉलोनियल फ्रिट्स या फ्रिट्स वॉन टैडलेनहम। तो ये दोनों के दोनों बॉडीगार्ड्स थे किंग रोडोल्फ के। तो उनकी मीटिंग होती है रोजनडाइल से। रोजनडाइल से वो पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो और तुम तो हूबहू हमारे बादशाह जैसे दिखते हो। तो रोजनडाइल बताता है कि ही इज़ अ ट्रैवलर फ्रॉम इंग्लैंड। और इसी असना में इसी दौरान क्या होता है कि किंग रोडोल्फ भी दरख्तों के पीछे से आ जाता है और आखिरकार रोडोल्फ रोजनडाइल और किंग रोडोल्फ आपस में आमने सामने हो जाते हैं। बिल्कुल कम्प्लीटली वो एक दूसरे की तरह रखते हैं और सिर्फ कह लें कि एक तरह से बियर्ड का सिर्फ फ़र्क होता है कि रोडोल्फ रोजनडाइल की बियर्ड होती है और किंग रोडोल्फ की बियर्ड नहीं होती, वरना हाइट वगैरह के अतबार से और रेड हेयर्स और लॉन्ग नोज और इस तरह से सारी तरह से किंग रोडोल्फ जो है वो बिल्कुल रोजनडाइल के हूबहू मुशाबे ही होता है, सिमिलर होता है उसकी जैसा होता है। तो उसी में क्या होता है कि फिर वो पूछता है भाई तुम कौन, और रोजनडाइल से पूछता है किंग रोडोल्फ। तो रोजनडाइल बताता है कि भाई मैं जो है वो रोजनडाइल बर्लिसडन फैमिली का हूँ और हमारे नस्लों में ऐसा होता है कि किसी एक जगह पर रेड हेयर्स जो हैं वो इस तरह है आ जाते हैं किसी एक बच्चे के सर पे। तो फिर आखिरकार ये सब बातें होती हैं तो वो सब फिर रोजनडाइल किंग रोडोल्फ उसे कहता है रोजनडाइल से कि भाई तुम अब मेरे साथ जो है वो चलो डिनर करो हमारे साथ शूटिंग लॉज में। तो आखिरकार रोजनडाइल और किंग रोडोल्फ और साथ में फ्रिट्स और जो है वो कॉलोनल सेप्ट वो सारे के सारे डिनर करने के लिए चले जाते हैं शूटिंग लॉज के अंदर। तो जोसेफ जो कि रॉयल कुक होता है, एक शाही खानसामा होता है, बावर्ची होता है, तो वो खाना पकाते हैं उनके लिए और फिर बड़ा एक शानदार खाना वो खाते हैं। फिर बादशाह उस दौरान कहते हैं कि भाई हम जो हैं वो बहुत सूखा सूखा कुछ खा रहे हैं, हमें वाइन ला कर दो। आखिरकार बादशाह के सामने वाइन रखी जाती है, फिर ये सारे लोग वाइन पीते हैं। एट द वेरी एंड क्या होता है कि जोसेफ एक स्पेशल एक वाइन लेकर आता है, वाइन की बॉटल लेकर आता है और कहता है कि ये जो वाइन है ये ड्यूक माइकल ने दिया है जो है वो किंग रोडोल्फ अपने सौतेले भाई के लिए। तो किंग रोडोल्फ उस बोतल को लेता है और सेप्ट और फ्रिट्स और रोजनडाइल से कहता है कि तुम जो भी शराब पीने जितने वो सब पियो, लेकिन इस बोतल से तुम मुझसे कतरा भी मत मांगना। और वो सारी की सारी बोतल एक साथ पी जाता है और पीने के बाद आखिर कर क्या होता है कि सारे लोग जो हैं वो सो जाते हैं। तो इस तरह से चैप्टर 3 का इख्तिताम होता है और फिर चैप्टर 4 पर हम स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर 4 द किंग कीप्स हिज अपॉइंटमेंट, कि बादशाह अपने वादे को पूरा करता है कि बादशाह की अपॉइंटमेंट ये है कि वो उसको जो है वो कल सुबह जाना है, वेंसडे की मॉर्निंग को उसको कॉरोनेशन सेरेमनी में जाना है। तो स्टाल्सो तो वो अपने अपॉइंटमेंट को पूरा करता है। ठीक है, तो सुबह 5 बजे का वक्त हो रहा था वेंसडे का और 5 बजे रोजनडाइल जो है वो जागता है फ़ौरन से, और वो जागते इस तरह से कि उसके कपड़े और उसके बाल सब भीगे हो रहे होते हैं क्योंकि उसके ऊपर सेप्ट ने एक बाल्टी पानी डाला होता है। तो रोजनडाइल कहते हैं क्या हुआ तुम इतने सुबह सुबह मुझे तुमने क्यों उठा दिया। तो आखिरकार जो है वो सेप्ट उसको लेकर जाता है बादशाह के पास। तो बादशाह बिल्कुल चित लेटा होता है और उसके बिल्कुल से तेज़ सांस हो रही होती है, सांस तेज चल रही होती है और बिल्कुल उसका चेहरा लाल हो रहा होता है। तो पता लगता है कि भाई जो लास्ट उसने बॉटल पी थी उस बॉटल में जो है वो जो ड्यूक माइकल ने उसे दिया था उसमें एक ड्रग था, उसमें कोई नशावर चीज़ मिली हुई थी। इस तरह से 12 घंटों से पहले जो है वो किंग रोडोल्फ उठ नहीं सकता। तो सेप्ट कहता है जो है वो रोजनडाइल से कि एज अ मैन ग्रोज ओल्ड ही बिलीव्स इन फेट, फेट सेंड्स यू हेयर, फेट सेंड्स यू नाउ टू स्टल्सो, कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता रहता है उसका तकदीर परिमाण बढ़ता रहता है। तकदीर ने तुम्हें यहाँ तक भेजा है, अब तकदीर ही तुम्हें स्टल्सो भेजेगी। मतलब वो कहता है कि तुम इम्परसोनेट होकर और भेज बदल कर तुम स्टल्सो जाओगे। तो लेकिन एक फ़र्क होता है दोनों में, आपको पता है कि दाढ़ी का फ़र्क होता है कि रोजनडाइल की दाढ़ी है। तो सेप्ट जो है वो जोसेफ को हुक्म देता है कि भाई उसकी जो है वो दाढ़ी को साफ़ कर दिया जाए। रोजनडाइल भी एग्री हो जाता है कि ठीक है वो चला जाएगा। शुरू में वो इनकार करता है, बाद में इकरार करता है कि ठीक है मैं चला जाऊँगा।
तो रजन डायल के आखिरकार शेव की जाती है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल हूबहू बादशाह जैसा दिखता है। और जब यही सब कुछ हो रहा होता है तो जोहान की माँ, जोहान जिसको हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया, तो उसकी जो मदर है, जोहान की मदर, वो एक्चुअली एक्चुअली एक मेड है, खान एक नौकरानी है शूटिंग लॉज के अंदर। तो वो क्या कर रही थी, वो दरवाजे के पीछे से यह सब कुछ सुन रही थी साइड से। तो सैप ने उसे देख लिया और उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसके हाथ पाँव बांध के और उसके मुंह में रुमाल ठूस कर उसको कोल सेलर में बंद कर दिया, कोयले के एक कोठरी में बंद कर दिया जिसमें कोला रखा हुआ था। और साथ से किंग रोडोल्फ को भी उठाकर लेकर जो है वो गया और उसको वाइन सेलर के अंदर, शराब वाले कमरे के अंदर बंद कर दिया। और जोसेफ को कहा कि तुम इन दोनों के रखवाली करोगे कुछ देर के लिए, मतलब कुछ घंटों के लिए, उस जोहान की माँ की रखवाली भी करोगे और उसके साथ साथ किंग रोडोल्फ की रखवाली भी करोगे। तो आखिरकार ये लोग जो हैं वो आखिरी बाहर निकलते हैं, सेप्ट फ्रिट्स और रजन डायल घोड़े में बैठते हैं, घोड़े में जाते हैं। तो सेप्ट उसे पूछता है कि क्या तुम रोमन कैथोलिक हो, चूँकि जो रूरिटेनियंस होते हैं वो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं। उसने बोला कि नहीं, मैं रोमन कैथोलिक नहीं हूँ, तो उसका मतलब वो प्रोटेस्टेंट था। तो सेप्ट कहता है लॉर्ड यू आर अ हेरिटिक। फिर वो उसे बताता है कि करके कि रोमन कैथोलिक जो फेथ है उसमें क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, उनकी क्या बिलीव्स होती हैं, क्या तरीक़ेकार होते हैं कॉरोनेशन सेरेमनी के, वो सब कुछ उसने बताना शुरू कर दिया। जिस तरह से जो है वो मुसलमानों के अंदर जो है दो फिरके होते हैं, बड़े सुन्नी और शिया, सेम वैसे ही क्रिश्चियंस के अंदर भी रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दो सेक्ट्स और ब्रांचेज होती हैं। आखिरकार 9:30 बजे आखिरकार क्या हुआ कि पहले वो स्टेशन पहुँचे, स्टेशन से ट्रेन पर ट्रेन में बैठे और ट्रेन से वो 9:30 बजे स्टलसो पहुँच गए, ठीक है, 9:30 पर वेंसडे मॉर्निंग। तो चैप्टर 4 यहाँ पर एंड हो जाता है। जैसे ही वो स्टॉल से पहुँचते चैप्टर 5 स्टार्ट होता है, दैट इज़ द एडवेंचर्स ऑफ अंडर स्टडी। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है मतलब स्टेशन से, तो उसको दिखाई देता है मार्शल स्टेकेंस। मार्शल स्टेकेंस कौन होते हैं, तो ही वॉज अ हॉर्स, तो ही वॉज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ रूरिटानिया। रूरिटानिया के वो आर्मी चीफ होते हैं, जैसे कमर बाजवा पाकिस्तान के, सेम वैसे ही मार्शल स्टेकेंस रूरिटानिया के आर्मी चीफ थे। तो वो पहले उनसे मुलाकात करते हैं, फिर मेडल्स वगैरह सजाते हैं जो है वो रडल्फ रजन डायल के उसके ड्रेस पर। और आखिरकार घोड़े पर सवार होकर ये लोग निकलते हैं कैथेड्रल के लिए, चूँकि कैथेड्रल मतलब एक बड़ा चर्च होता है जहाँ पर कॉरोनेशन सेरेमनी होती है बादशाहों की, तो वहाँ से निकलते हैं। तो असल में जो स्टेल्सो था, स्टेल्सो के अंदर दो टाउन थे, एक न्यू टाउन था, एक ओल्ड टाउन था। तो जो कैथेड्रल था वो ओल्ड टाउन में था, न्यू टाउन में किंग रोडोल्फ के चाहने वाले लोग ज़्यादा थे, जबकि ओल्ड टाउन में ड्यूक माइकल के चाहने वाले लोग ज़्यादा थे। जब न्यू टाउन से गुजर रहा था रजन डायल, तो बहुत सारे मतलब जब वो गलियों से गुजर रहा था, तो गलियों में घरों के ऊपर बेलकोनी में जो खवातीन थी उसके ऊपर फूल फेंक रही थी। उसी में उसने जब एक नज़र ऊपर उठाकर देखा रजन डायल ने, तो उसे दिखाई दी मैडम एंटनी बोमा। मैडम एंटनी बोमा ने उसको जब देखा ना फ़ौरन से, तो वो पहली देर में उसको पहचान गई कि ये तो वही शख्स है जो मेरे साथ ट्रेन पर सवार होकर जो है वो पेरिस से यहाँ तक आया है रूरिटेनिया तक। तो वो देख कर चौंक जाती हैं और क्या करता है कि रजन डायल अपने पॉकेट पे हाथ डाल लेता है रिवॉल्वर पे, कैसा नहीं क्योंकि वो चिल्ला दे कि ही इज़ नॉट द रियल किंग और वो उसको गोली मार दे, लेकिन ऐसा वो बोलती कुछ भी नहीं है, बस वो देखती है और चौंक जाती है। उसके बाद वो जाती है और वो असल में एक ख़त लिख कर बताती है ड्यूक माइकल को इस बारे में, लेकिन वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे उसकी डिटेल्स। तो आखिरकार न्यू टाउन से जब वो ओल्ड टाउन में जाने लगते हैं, तो क्या होता है कि ओल्ड टाउन ड्यूक माइकल के लोगों का जो है वो टाउन है स्टल्सो के अंदर। तो सारे के सारे जो मार्शल स्टेकेंस के हुक्म पर सारे के सारे जो कह लें कि गार्ड्स होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, वो करीब करीब आ जाते हैं रजन डायल के। रजन डायल क्या करता है, उन्हें दूर दूर भेज देता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग दूर रहें ताकि मैं दिखा सकूँ अपने लोगों को कि भाई बादशाह उन पर भरोसा कर सकते हैं। आखिरकार वो आगे जाते रहते हैं और ओल्ड टाउन के अंदर कैथेड्रल में पहुँच जाते हैं। जैसे कैथेड्रल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले रजन डायल देखता है ब्लैक माइकल को जो, और उसके अलावा फ्लेविया, प्रिंसेस फ्लेविया को देखता है। और इसके बाद आखिरकार कॉरोनेशन की सेरेमनी होती है। कॉरोनेशन सेरेमनी में जो है वो कार्डिनल आते हैं, कार्डिनल जो है वो एक कैथेड्रल के बड़े बड़े जो है वो प्रीस्ट होते हैं, पादरी होते हैं। तो कार्डिनल आने के बाद जो है वो अनॉइंटेड करते हैं उसके सर पर, मतलब तेल लगाते हैं उसके सर पर, और उस तरह से उसके बाद जो है वो उसे ताज ताज देते हैं, क्राउन देते हैं रूरिटानिया का, और वो क्राउन अपने सर पर पहन लेता है। फिर लोग आखिरकार बड़े तालियां बजाते खुशी से। तो इस तरह से जो है कॉरोनेशन सेरेमनी हो जाती है और किंग रोडोल्फ के बजाय रडोल्फ रजन डायल जो है वो ताज पहन लेता है। और उसी के बाद क्या होता है कि करके लोग आते हैं और उसको जो है वो मतलब मुबारकबाद देकर जाते हैं रडोल्फ रजन डायल को। उन्हीं में आता है ओल्ड लॉर्ड टॉपहैम, बूढ़ा लॉर्ड टॉपहैम, जिसका घर था ग्रॉसवेनर स्क्वायर लंदन में,
और जो ब्रिटिश एम्बेसडर थे असल में लॉर्ड टॉपहैम एक ब्रिटिश एम्बेसडर थे स्टल्सो के अंदर, वो भी आते हैं अपनी एडियू पेश करने के लिए, अपनी जो है वो अदब बजा लाने के लिए, और उसको देख कर डर जाता है रजन डायल, चूँकि उसके घर पर कई बार वो डांस किया था, वो उसने रक्स किया था, नाचा था वो कई बार उसके घर पर, लॉर्ड टॉपहैम के घर पर। लेकिन दैट ओल्ड मैन वॉज एज ब्लाइंड एज अ बैट, कि वो चमगादड़ की तरह एक अंधा था और वो उसे नहीं पहचान पाया। आखिरकार ये जब सारे लोग जो हैं वो अपने अपने रिस्पेक्ट देकर चले गए, तो ये लोग कैथेड्रल से निकले, फ्लेविया और रजन डायल एक ही कैरिज में बैठे, और एक ही कैरिज में बैठने के बाद ये लोग पैलेस आ गए, पैलेस ऑफ क्रिस्टल्स में महल आ गए। ठीक है, जैसे ही वो महल पहुँचते हैं तो चैप्टर 5 यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है।